सो हाय गाइस, आज क्लाइंट हमारे पास आए हैं और मैम का चल रहा था हमारे पास से पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट। और अभी मैम का पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, प्रॉपरली पिगमेंट जा चुका है, बट मैम का फेस हम रिवील नहीं कर सकते ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस। और आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस मैम से पूछेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो में बने रहें। मैम, जब आप हमारे पास आए थे तो आपका उससे पहले कितने टाइम से पिगमेंटेशन का इशू था? मैम 5 ईयर्स से था पिगमेंटेशन, बट 2 साल के अंदर अंदर मेरे पूरा फेस पे ही पिगमेंटेशन हो गया। ओके, पूरा फेस कवर अप कर लिया था उसने। ओके, तो मतलब आपका पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम था वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है 2 साल 5 साल में, है ना? हाँ जी। ओके, एंड आप मुझे बताइए, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? मुझे आपके बारे में इंस्टाग्राम से पता चला, फिर मैंने गूगल रिव्यूज वगैरह सब चेक करे, आपके ऐप बहुत अच्छे लगे मुझे, फीडबैक्स में देखी मैंने क्लाइंट्स की वीडियोस, मुझे काफी अच्छा लगा, तभी फिर मैं यहाँ पे आई ट्रीटमेंट के लिए और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे भी मिले। ओके, तो आप इस टाइम पे पूरे सैटिस्फाइड हो हमारे ट्रीटमेंट से? हाँ जी, मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ। मुझको यहाँ पे ऑलमोस्ट आपने अभी तक 4 सिटिंग दी है, 4 सिटिंग में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, प्रॉपर पिगमेंटेशन जा चुका है। हाँ जी, मेरा 4 सिटिंग में पिगमेंटेशन पूरी खत्म हो गई। और अभी के लिए आप क्या कर रहे हैं अपने फेस पे? जैसे आपकी सिटिंग्स तो खत्म हो चुकी है, आपने ऑलमोस्ट 4 सिटिंग्स हमारे पास से ली है, तो सेटिंग्स आपकी ओवर हो चुके हैं, तो अभी के लिए आप आफ्टर केयर में क्या फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले जिनको पिगमेंटेशन का इशू है तो उन्हें क्या करना चाहिए? आफ्टर केयर में जो आपने मुझे प्रोडक्ट सजेस्ट किए थे, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम, मैं सभी चीजें यूज कर रही हूँ। Okay. मुझे इन सबसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं अपना मॉइस्चराइजर, अपना सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करती और नाइट क्रीम भी मैं बहुत अच्छे से अप्लाई करती हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग में अच्छा ग्लो मिले। सो गाइज, आपने मैम का फीडबैक जान लिया, आपने देखा जैसे उन्होंने बताया कि 5 ईयर्स पहले से उनको पिगमेंट था और अभी ग्रेजुअली उनका इतना बढ़ गया था कि पूरे फेस पे उनका पिगमेंट आ गया था। जब मैम हमारे पास आए थे हमें भी लगा था हमें कैसे ट्रीट करेंगे, बिकॉज फुल पिगमेंट उनके स्किन पे था। तो मैम को मैंने परसेंटेज बता के चला था स्टार्टिंग में कि 60-70% हम लोग उनको हील करेंगे, बाकी का उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी आफ्टर केयर पर डिपेंड करता है। बट मैम का आफ्टर केयर और हमारा ट्रीटमेंट इतना अच्छा रहा है कि प्रॉपरली उनके स्किन से प्रॉपर पिगमेंट आ चुका है। सो गाइज, बेसिकली मेरा मोटिव ये है आपको बताने का कि अगर आपको कोई भी जरा सा भी कोई भी इशू प्रॉब्लम स्टार्ट हो, आपके स्किन पे हो या बॉडी में हो, तो आप उसे जब भी ट्रीट करवाइए। अब जैसे मैम ने बताया कि उनका पिगमेंट इनिशियली बहुत छोटा था बट कुछ टाइम बाद ये फुल फेस पे आ गया, तो अगर आपका पिगमेंट का इशू है या कोई भी स्किन कंसर्न आपका है तो आप उसे जब भी ट्रीट करवाएं। आपका जो भी डर्मेट है, आपकी कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, आप उनसे जाके कंसर्न करें, उनसे कंसल्ट करें और उसे राइट टाइम पे ट्रीट कराएं ताकि वो ज्यादा ना फैले। एंड मेनली बहुत सारे क्लाइंट्स के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्यों है, तो पिगमेंट होने का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बहुत रीजंस की वजह से होता है, ये सन एक्सपोजर की वजह से भी होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी भी होता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो पिगमेंट हमारे स्किन में प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्किन कंसर्न है, पिगमेंट है या अदर कोई भी स्किन कंसर्न है, तो उसे राइट टाइम पे आप ट्रीट करिए। और कोई भी ट्रीटमेंट आपको स्किन रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाना है तो हमारे पेज पे सारी ही स्किन रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड है, क्लाइंट्स के फीडबैक अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो हमारे क्लिनिक पे विजिट नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो दिल्ली में नहीं रहते या वो मेरठ में नहीं रहते, तो वो क्लाइंट स्पेशली अगर उनको पिगमेंट का इशू है या कोई भी अदर कंसर्न है तो आप अपना प्रोडक्ट अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। आपको जस्ट अपनी फोटो ड्रॉप करनी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपकी स्किन एनालाइज करेंगे, आपके लिए वीडियो कॉल अरेंज करेंगे, आपको सारे प्रोडक्ट सिखाएंगे ना, आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट्स आपके घर पे आएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं एंड ट्रीटमेंट के बारे में सारी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।